आखिर क्यों हारी चेन्नई सुपर किंग्स? खुद रविंद्र जडेजा ने इसका किया खुलासा। कहां हो गई गलती, किसकी वजह से हारी चेन्नई सुपर किंग्स? जडेजा के बयान को सुनकर सच में आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो आखिरकार मुकाबले के बाद जड्डू ने क्या कहा है, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई और कोलकाता के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे चेन्नई के फैन याद नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 6 विकेट से हार गई। दोस्तों, मुकाबले में जडेजा का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। जडेजा ने 24 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 20 रन बनाए थे और चेन्नई के हार का एक बड़ा कारण भी रहा। दोस्तों, जब गेंदबाजी की बारी आई तब वहां पर जडेजा 2 ओवरों में 18 रन देते हुए एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने जरूर अच्छा खेल दिखाया, लेकिन वो काफी नहीं था। रिंकू सिंह ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए मुकाबले में अर्धशतक भी लगाया और मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, चेन्नई ये मुकाबला हार गई। अब मुकाबले के बाद सफाई देते हुए जडेजा ने कहा, मुकाबले में हमने 15 से 20 रन कम बनाए थे। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं थी। हमारे दिमाग में 150 रन सेट थे। हमने सोचा कि अगर 150 रन बना लेंगे तो मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन यही हमसे चूक हो गई। हमें अपनी गलतियों पर काम करना होगा। बेशक मैं और अच्छी बल्लेबाजी कर सकता था, लेकिन मैं बाउंड्रीज के बजाय स्ट्राइक रोटेट में लगा रहा। खैर, हमारा फोकस है अगले मुकाबले पर। अगला मुकाबला जीतकर हम प्लेऑफ में पहुंचने की कोशिश करेंगे। रिंकू सिंह ने शानदार खेला, जीत का श्रेय उन्हें जाना चाहिए। एक वक्त हम इस मुकाबले में वापसी कर चुके थे। दीपक ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन एक मुकाबले में केवल एक टीम ही जीत सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता के खिलाफ हार के बाद चेन्नई की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपना अगला भी मुकाबला हार जाती है तो उनका प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेन्नई को हर हाल में अगले मुकाबले में दिल्ली को हराना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी के आखिरी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।